मुंबई के कुर्ला और बीकेसी को जोड़ने वाला ब्रिज अब भी जस की तस अवस्था में बना हुआ है। दो बड़ी क्रेन को लाया गया है इस ब्रिज को हटाने के लिए और ब्रिज को हटाने का काम लगातार जारी है। कल नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने बताया कि एक टीम तैयार की गई है इस पुल के निर्माण की निगरानी के लिए, क्योंकि जब रात के 4:30 बजे ये पुल गिरा तब 14 मजदूर इस ब्रिज पर काम कर रहे थे और ब्रिज के साथ वो लोग भी गिर गए, जिस वजह से अब उन मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब इस पुल को कब तक हटाया जाएगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज, मुंबई।